वेलकम बैक। और अब हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ चाहता है, लेकिन लेकिन आपको हम दिखाएंगे माइंड मैटर्स। और आज का टॉपिक मैम बड़ा इंटरेस्टिंग है। अक्सर आप लोग वीडियोस देखते हैं ना प्रैंक करने की, कैमरे में देख के हाथ हिलाते हैं, वैसे हम घरों में भी ये कहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इसके पीछे इसकी लाइन एक ड्रॉ होनी चाहिए, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, इस पर आज माइंड मैटर्स में बात होगी। हम आपसे इजाजत लेंगे, कल नहीं मंडे को होगी मुलाकात। कल बेस्ट ऑफ चलेगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच इमरान एंड नर्मला। वकार साहब, ये जो सोशल मीडिया पे स्पेसिफिकली यूट्यूब पे एक नया ट्रेंड निकला हुआ है कि जी यूट्यूबर्स जो हैं वो प्रैंक्स लोगों के साथ खेल रहे हैं और लोगों को रिडिक्यूल कर रहे हैं, उनको डिस्गस्टेड फील कराने के बाद एक सिंपल सी लाइन बोल रहे हैं कि जी कैमरा में देख के हाथ हिला दें, तो उस पर आपका क्या टेक है? मैंने साइकोलॉजी में जो एक्सपेरिमेंट्स और मोर देन 40 एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जिनको अनएथिकल तस्वर किया जाता है, उसकी वजह ये थी कि कंसेंट जो है उसको हासिल नहीं किया गया था जिन पे वो एक्सपेरिमेंट हुआ था। अच्छा, ठीक है। और इसमें अच्छा वो वाले एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि बड़ी अच्छी नीयत के साथ किए गए थे, लेकिन और उनसे बहुत बड़ी थ्योरीज बरामद हुई, यानी बहुत बड़े नजरियात वजह किए गए, लेकिन उसके बावजूद उनको शदीद क्रिटिसिज्म उनको होता है। एक मिलग्राम एक एक्सपेरिमेंट है जो कि तशद्दुद, बेसिकली उससे बहुत बड़ी थ्योरी जो थी जो साइकोलॉजी की ओबीडियंस की वो बरामद हुई। अच्छा, इस तरीके से स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट है, वो भी इसी तरीके से कुछ लोगों को कैदी बनाया गया, कुछ को गार्ड बनाया गया और इस तरह उनको रोल दिए गए और वो अपने रोल में सीरियस से सीरियस तरीन होते चले गए। और बाकायदा गार्ड्स ने, हालांकि उनको पता भी था कि ये सारा कुछ एक रोल है कुछ दिनों के लिए, लेकिन वो इतने सीरियस हो गए कि वो वाकई कैदियों ने कैदी अपने आप को समझना शुरू कर दिया, गार्ड्स ने अपने आप को गार्ड समझना शुरू कर दिया, उन्होंने पनिशमेंट और रिवॉर्ड देना शुरू कर दिया। तो ये तमाम जो है वो इंतहाई गैर अखलाकी इसलिए तसव्वुर किए जाते हैं क्योंकि आपने उनसे जिसको कहते हैं इजाजतनामा नहीं लिया था जिन पे आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। अब आप आते हैं प्रैंक्स की तरफ। अब आप एक 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 इस तरह के प्रैंक्स हैं जो कि आपको जनरली यूरोप में या मुख्तलिफ जगहों पे नज़र आते हैं, जिसमें एक बंदा जो है उसने ऊपर अपने कोई झाड़ी सी बनाई हुई है और वो रोड के किनारे खड़ा हुआ है और जैसे ही वो कोई पास से गुजरता है तो वो शुरू करते हैं। ये डिबेटेबल हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि शायद ये कुछ बेजरर सा भी हम इसको कह सकते हैं और इसकी इजाज़त भी दे सकते हैं किसी हद तक। लेकिन जो कुछ यहाँ हो रहा है, यानी जो आप पाकिस्तान और भारत में देख रहे हैं प्रैंक्स, ये तो इस तरह है जिस तरह के बंदर के हाथ में उस्तरा आने वाली बात है। मतलब मैंने इस तरह के प्रैंक्स बहुत ज्यादा देखे हैं जिसमें एक लड़का या लड़की बैठे हुए हैं, यानी वो लड़का लड़की मियाँ बीवी हैं और मियाँ बीवी बैठे हुए हैं और एक और बंदा आके तो वो जो खातून है उसको कहता है कि तुम इसके साथ क्यों बैठी हो, तुमने तो मेरा फलां फलां, और ये अपने आप को उसका बॉयफ्रेंड जाहिर करता है। आपको मालूम है कि आप क्या कर रहे हैं, यानी आप एक रिलेशनशिप इतना ह्यूमिलिएट कर रहे हैं कि आप रोड पे किस तरह किसी को जाके, यानी आप इमेजिन कीजिए कि उस वक्त क्या क्यामत उस खातून पे गुजरी होगी। ठीक है, ये एक नॉर्मल प्रैंक्स है जो हमारे नजर आते हैं, उन खवातीन पे क्या गुजरती होगी जब अपने शोर के साथ बैठी है और बंदा आके वो कहता है असैसिनेशन कर दी आपने उसके हस्बैंड के सामने, और उसका फिर क्या प्रोलॉन्ग इफेक्ट, उसके बाद आप ये समझते हैं कि वो आपके कैमरे को देख के हाथ लाएगा, वो जो आपको मार रहा है तो फिर वो आप मारते ही चला जाएगा। मेरे ख्याल है कि इस पे उन लोगों को जिनके साथ ये होता है उनकी भी अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि इस हवाले से बाकायदा आप कानूनी इदारों का मदद ले सकते हैं, ऐसे लोगों को पकड़वा सकते हैं। ये कोई यहां तक भी मैंने देखे हैं प्रैंक्स जिसमें कोई बंदा एक मजदूर आ रहा है, हाँ जी, और आपने मजदूर को कहा कि ये तुम्हारे पास कौन सा मोबाइल है, ये मोबाइल उससे ले लिया, ये कौन इससे तो आवाज ही नहीं जा रही, मोबाइल तोड़ दिया, तोड़ने के बाद आपने उसको कर करके चंगा, मतलब उसको जलील करने के बाद आपने उसको कोई नया मोबाइल दे दिया। अब क्या वो नया मोबाइल उसकी जो ह्यूमिलिएशन है या बेइज्जती की जिस लेवल पे आपने उसको पहुंचाया है, वो इसके एक और फॉर्म जो है स्क्रिप्टेड है। स्क्रिप्टेड में कोई मजायका नहीं है, मतलब स्क्रिप्टेड में तो आप उसको एक ड्रामा का शक्ल दे सकते हैं कि आप उसको कह सकते हैं कि इट्स अ ड्रामा, ड्रामा का एक जवाब निकलता है, उसे आपने भी एक्ट करना है, वो दूसरे ने भी एक्ट करना है। लेकिन बहुत सारे प्रैंक्स ऐसे हो रहे हैं जिसमें ड्रामा का आंसर नहीं है, वो एक्चुअली लोगों को इसी तरह तजलील हो रही है, वो किया। ये क्या है प्रैंक बुनियादी तौर पर, क्या है बुनियादी तौर पर अगर हम इसको अखलाकियात के हवाले से देखें तो हमारे पास एक ही लफ्ज है, ये झूठ है, फ्रॉड है ना, एक झूठ है, चाहे वो आरजी सतह का है, चाहे वो बहुत ही टेम्पररी है, वक्ती है, लेकिन है तो झूठ। यहाँ का जो प्रैंक है वो भी कोई बेजरर नहीं होता,
या एक खूबसूरत, हालांकि इसकी बड़ी खूबसूरत चीजें भी हो सकती हैं, वो नहीं होती, बल्कि इसकी भी फिर वही शिद्दत पसंदी या एक एक्सट्रीम रवैया हमें नजर आता है, इरिटेट हो, अगला बंदा जिच हो, वो गालियां निकाले, वो थप्पड़ मारे, वो जो प्रैंक करने वाला है उसको मार पड़े, सो दैट कि वो ज्यादा नहीं, वो मार तो पड़ती है, प्रॉब्लम ये नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है कि अब जो इस वक्त ट्रेंड निकला हुआ ना प्रैंक्स का, उसमें टारगेट ही जो प्रैंक करने वाला है उसका ये होता है कि उसको मार पड़े, उसकी वजह ये है कि फिर व्यूअरशिप ज्यादा से ज्यादा, लोगों को सेंसिटाइज करने की जरूरत है कि अगर आपके साथ ऐसा प्रैंक हो भी रहा है तो आप उसका एक्शन लें, आप प्रॉपर रिपोर्ट करें टू द रेलेवेंट अथॉरिटी, आप उनको बताएं कि हमारे साथ ये हुआ, ताकि फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट्स को हम अवॉइड कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वकार साहब।